quality wise वो ठीक है. So this is the topic that we are going to discuss. What are the qualitative characteristics of accounting information? I hope कि आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक का मीनिंग क्या है ना, कि किस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कितनी है. इसको चेक करने के लिए हम उसको डिफरेंट यू नो पैरामीटर्स पे चेक करेंगे. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. और उन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से हम ये समझेंगे कि टॉप जो हमारा जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसकी क्वालिटी कैसी है. ठीक है. Okay. So business owners can use accounting information to conduct a financial analysis of business operations. हम लोगों ने पहले ही इसको डिस्कस किया था ऑलरेडी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग क्यों चाहिए होता है. वो इसलिए चाहिए होता है कि आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर सके. क्या आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपका किसी ईयर में लॉस है, अगर है तो क्यों है, आपका ड्यू कितना बाकी है, किसको आपको कितने रुपए देने हैं, कहाँ से कितने रुपए मिलने हैं. देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन जिसका सॉल्व ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं. वही बात यहाँ पे बोली गई है कि बिजनेस ओनर्स जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं टू कंडक्ट अ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. जो भी बिजनेस ऑपरेशन वो लोग कर रहे हैं उसका क्या एनालिसिस निकल करके आ रहा है, वेदर दे आर प्रॉफिटेबल और नॉट. बिकॉज इफ समथिंग इज नॉट प्रॉफिटेबल दे विल नॉट कंटिन्यू इट. अगर मेरे लिए भी कोई चीज प्रॉफिटेबल ना हो, मैं उसको कंटिन्यू ना करूं. जैसे मैं भी आप लोगों को क्लासेस करा रहा हूँ, आप अभी सिंगल बच्चे हो, हालांकि पहले बीच में मैंने बंद करा दिया था ड्यू टू माई हेल्थ इशू एंड यू नो कोविड के टाइम के कारण जो भी. तो अभी जैसे कि आप अकेले हो, मान लो आने वाले समय में बहुत ज्यादा लोग ना जुड़े, आप तो चूंकि अभी जुड़ चुके हो तो मुझे क्लासेस करानी ही है एंड इसका फायदा यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हो जाएगा. बट अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे और ऐड नहीं होते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि मैं जो क्लासेस अभी ऑनलाइन ले रहा हूँ वो ना लूँ, क्योंकि एमकॉम में मेरे स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम में उतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है. तो कोई चीज अगर मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो मैं उस चीज को नहीं करूंगा. सेम थिंग अप्लाइज टू यू एज वेल. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी अच्छा वाला इनपुट, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर उस चीज से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आप भी डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस नहीं करोगे, या फिर जो भी सोर्सेस आप स्टडी कर रहे हो आप उस सोर्सेस से स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट आपको अपने स्टडी में देखने को नहीं मिल रहा. सिंपल सी बात है. तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो किस क्वालिटी का है, कैसा है, नहीं है, ये हमको समझने की कोशिश करनी है. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में यही सारी चीजें होती है. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफन हैज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हम लोग इसको एक्चुअली दो तरीके से बांट सकते हैं कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है. क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एक तरीके से एक पैरामीटर होता है जहाँ पे यू नो अच्छी क्वालिटी, मतलब आपने कोई बायसनेस नहीं दिखाया है, जो डेटा हूबहू आपने जो है उसी डेटा को दिखाने की कोशिश की, आपने क्वालिटी मेंटेन की है. क्वांटिटी में इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है लेकिन वो उतना यूजफुल नहीं होता, इररिलेवेंट डेटा होता है. तो इररिलेवेंट डेटा का यूज हम लोग बिजनेस में क्या करेंगे, उसका यूज करके कोई फायदा नहीं है, राइट. तो इस तरीके से हमें जो है समझना होगा चीजों को. क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स रेफर्स टू द कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. क्वांटिटेटिव यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही बात की में मतलब कहा जाता है. क्वांटिटेटिव मतलब आप एक तरीके से चीजों को बस कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू यू नो सी द रीजन दैट व्हाई यू हैव अचीव्ड दिस प्रॉफिट, व्हाई यू हैव गेन्ड दिस प्रॉफिट, इसका रीजन क्या है, अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की जाती है जब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं. मतलब जब हम लोग क्वांटिटेटिव चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप क्वालिटेटिव करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें जो है एक्स्ट्रा आपको चीजें आपको मिलेंगी. ठीक है. क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स इंक्लूड द बिजनेस ओनर्स परसीव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ठीक है. जो उनका परसीव्ड जो इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, वो वहां से जो झलकता है, मतलब चीजें जो है समझ में आती है कि बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आने वाले समय में बिजनेस किस तरीके से काम करेगा, है ना, ये सारी चीजें जो है. बिजनेस ओनर्स ऑफन रिक्वायर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन व्हेन दे आर मेकिंग बिजनेस डिसीजन. डेफिनेटली बताया था कि बड़ा बिजनेस डिसीजन लेना होता है, तो जो भी हमारा डिसीजन होगा उसका एक बेस होगा जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, राइट. तो कोई भी बिजनेस है, जो बिजनेस ओनर है, वो जब कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला होता है वो हमेशा अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करने की कोशिश करता है. बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर सपोज 2-3 प्रोजेक्ट आपके बिजनेस के अंडर में चल रही हैं, तो आप उसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहेंगे जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, है ना. तो आपको अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो कि किसी ओल्ड प्रोजेक्ट या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है जो कि अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको वापस में उसमें पैसे इन्फ्यूज करना है या नहीं करना है. तो आप उसके फाइनेंशियल देख करके आप डिसाइड कर लेंगे कि चलो इसका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, ये हमें ग्रोथ नहीं, इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कोई रिटर्न भी नहीं है, तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं। So that's the kind of decision making that they do on the basis of the financial information that they have. जो भी information होती है उसके basis पे वो लोग decision वगैरह लेते हैं। Incorrect और inappropriate information can hamper decision making। ठीक है, कोई भी information अगर incorrect है, inappropriate है, तो वो जो है आपके business जो भी आपका decision making है, process है, जो भी decision है, उसको वो hamper करेगा और cause businesses owners to make incorrect assessments about their companies। अगर डेटा ही गलत होगा तो वो अपने जो अपने कंपनी है उनकी, वो उसको गलत तरीके से एसेस करेंगे, जो एग्जैक्टली उनका एसेस करना चाहिए था वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास जो डेटा है वही गलत है। ठीक है, तो सम ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो आपका डेटा अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा तो डेटा को जो ओनर है वो ठीक तरीके से रीड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो वो डिसीजन भी ठीक तरीके से नहीं ले पाएगा। अब आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे लो कि कोई डेटा जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, पैराग्राफ वाइज सपोज लिखा हुआ है, कोई डेटा है, डेटा को पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना चाहिए, बट सपोज किसी ने पैराग्राफ वाइज लिख दिया है, क्या आपको उस डेटा को पढ़ के कुछ समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा वो भी तब जब आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। बट अगर वो डेटा आपको टेबल में सजा करके दे दिया जाए, टेबल वाइज आपको टेबल बना के दे दिया जाए कि देखो ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है, ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, इस तरह से अगर टेबल बना करके दे दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको चीजें जो है समझ में आने लगेंगी, आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो डेटा को ऐसे आपको प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, जिससे जिसके जरिए जो भी उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर है उसको वो चीज तुरंत समझ में आ जाए। तो अंडरस्टैंडेबल होना, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना आपके डेटा में, आपके इन्फॉर्मेशन में, वो आपकी डेटा की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। This is an important qualitative characteristic for small business owners. That is important for big business owners as well. सिर्फ small की नहीं, पर small business owners के लिए ज्यादा important इसलिए है क्योंकि वो छोटे एम्प्लॉय, छोटे लेवल के businesses हैं। अगर उनको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो वो बड़ा कभी बन ही नहीं पाएंगे, राइट? तो ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। That is why they have mentioned कि small business owners के लिए वो important है। Many small business owners not have a strong accounting background, ये भी हमें देखने को मिलता है ना, कि उनका जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो डेटा वो लोग ठीक तरीके से प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज टू टेक्निकल और कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अ ले पर्सन कैन बी इनफेक्टिव फॉर बिजनेस ओनर्स, है ना। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बहुत ही डीप में है, बहुत ही ज्यादा क्या बोले, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ऐसा डेटा है, कुछ ऐसा टर्म है जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में यूज होता है, तो वो तो एक जनरल बंदा समझ ही नहीं पाएगा। बैलेंस शीट तो कोई भी थोड़ा बहुत जो है पढ़ के आइडिया कर लेगा कि बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि टेक्निकल होती हैं और उसी बेसिस पे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। जो लोग बैलेंस शीट को ठीक तरीके से रीड कर पाते हैं उन्हीं का बिजनेस जो है चलता है, या उन्हीं का जो पैसा है वो सेफ रहता है, क्योंकि बैलेंस शीट में ही सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन सबको रीड करना नहीं आता बैलेंस शीट, राइट? तो वो यहाँ पे बात बोली गई है। Small businesses or owners often use personal accountants to complete various accounting functions. तो small businesses क्या कर रही हैं, different तरह के professional accountants को वो लोग hire करती हैं ताकि वो जो है accounting functions को create, मतलब complete करें, अपना काम करें, और उसके basis पे जो है वो लोग decision वगैरह लेते हैं। ये जो tally वगैरह करते हैं या SAP का आपने नाम सुना होगा, ये सारी चीजें इसलिए कराई जाती हैं ताकि आप जो है बेहतर तरीके से accounting को accounting information को आप present कर पाए। अकाउंटेंट का काम ही वही होता है, राइट? बिजनेस ओनर्स शुड चूज एन अकाउंटेंट हु कैन प्रिपेयर इन्फॉर्मेशन इन एन इजिली अंडरस्टैंडेबल मैनर। तो बिजनेस ओनर को ऐसे अकाउंटेंट को चूज करना चाहिए जो कि बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन रेडी करे, इसको देख करके आपको तुरंत समझ में आ जाए कि आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये है और ये किस तरीके से काम कर रहा है, बिजनेस किस तरफ जा रहा है, क्या ये प्रॉफिटेबल होने वाला है आने वाले समय में या नहीं, है ना, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है यूजफुलनेस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डेटा अगर रिलेवेंट होगा तो वो यूजफुल होगा, डेटा अगर इररिलेवेंट होगा तो यूजफुल नहीं होगा। तो जो डेटा है अगर वो यूजफुल है आपके लिए, इसका मतलब वो क्वालिटी वाइज अच्छा है। बिजनेस ओनर्स नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज एप्लीकेबल टू द बिजनेस डिसीजन एट हैंड। दे कैन रिक्वेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग शेड्यूल्स, रिकॉन्सिलिएशंस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये सारी चीजें जो है अकाउंटेंट करते हैं और बिजनेस ओनर्स इस चीज का रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, अकाउंटिंग स्केड्यूल्स दो, रिकॉन्सिलिएशंस जो आपने क्रिएट करी है, जो आपने रिकॉन्साइल किया है बुक्स को, डेटा को, आप वो आपने कैसे किया है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो आपको मुझे देना है ना, ये सीबीए एनालिसिस होता है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ओनर्स के पास अगर रहेंगे तो वो लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। तो यूजफुलनेस तभी होगा जब डेटा सही रहेगा, सबसे बड़ी बात। और डेटा के ऊपर जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं डिफरेंट तरीके से, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग शेड्यूल, सबका अलग अलग मीनिंग है, तो वो सही होगा तभी वो यूजफुल हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट एलोकेशन रिपोर्ट्स मे नॉट प्रोवाइड सफिशियंट इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस ओनर्स हु मस्ट मेक अ डिसीजन और ऑन हायरिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट यहाँ पे बताया गया है ना, कॉस्ट एलोकेशन जो है रिपोर्ट, उससे आपको ये नहीं पता चल पाएगा, ये सफिशियंट डेटा नहीं होगा जिससे आपको ये पता चल पाए कि जो आपका डिसीजन है, ओनर्स हु मेक डिसीजन और हायरिंग एम्प्लॉय, आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि काम बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आपने ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर कर लिया, इससे क्या हुआ, जो आपका खर्च है वो बढ़ गया है ना। और बाद में जब ऐसा देखने को मिलता है कि बिजनेस ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज को बिजनेस से निकाल भी देती हैं, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो उस चीज को चेकअप करने के लिए, उन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए आपका जो डेटा है वो यूजफुल होना चाहिए कि कहाँ पे ओवर हायरिंग हो जा रही है, फिर अंडर हायरिंग हो रही है। कई बार अंडर हायरिंग का भी नुकसान जो है झेलना पड़ता है, काम बहुत ज्यादा है लेकिन काम करने के लिए बंदा अवेलेबल नहीं, राइट। कॉस्ट एलोकेशन यूजुअली रेफर्स टू अप्लाइंग बिजनेस कॉस्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी व्हिच हैज वेरी लिटिल टू डू विद द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सो कॉस्ट एलोकेशन यहाँ पे, एक मिनट okay, so cost allocation usually refers to applying business cost to goods and or services produced by company which has very little to do with human resource. ठीक है, तो बहुत सारे काम आपने सुना होगा जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, मतलब जो काम पैसों से किया जाता है वहां पे लेबर की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, मतलब मशीनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने काम को बहुत ईजी बना दिया, आपको लेबर की ज्यादा जरूरत नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और कई बार काम इस तरीके का होता है जहां पे आपको ह्यूमन रिसोर्स, लेबर की आवश्यकता ज्यादा होती है रादर देन कि आपको टेक्नोलॉजी या फिर जो डिफरेंट चीजें हैं। तो ये एनालिसिस करना कि किस काम में किस चीज की जरूरत ज्यादा है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉस्ट एलोकेशन में यहाँ पे जनरली वो लोग उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए खर्च हो रहा है, लेकिन उसमें ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ज्यादा योगदान, बहुत ज्यादा यूजेस जो है उसका नहीं है, which has very little to do with human resource, सारा जो है काम वो खर्चे से हो जाता है। तो जो काम ज्यादा खर्च में हो रहा है आप उसका एनालाइज डेफिनेटली करने की कोशिश करोगे कि जो डेटा है वो सही है या नहीं है, मतलब जो हमारा खर्च है वो रीजनेबल है या नहीं है। एक थ्योरी है बहुत ही फेमस, लेबर थ्योरी है बाई, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आई गेस हेक्सर ओलिन और समथिंग, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जहाँ पे लेबर ज्यादा अवेलेबल रहे वहां पे कैपिटल अगर कम अवेलेबल है तो वहां पे लेबर का यूज ज्यादा होगा, और जहां पे लेबर कम है कैपिटल का यूज ज्यादा हो सकता है, या फिर कैपिटल ज्यादा है वहां पे कैपिटल का यूज ज्यादा होगा। जैसे कोई चीज अगर हम लोग इंडिया में बना रहे हैं तो देखना वो चीज बनाने का खर्चा, जैसे ये चंद्रयान का एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिकल, हमारे यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है। चंद्रयान 3 जो है हम लोगों ने तकरीबन 600-700 करोड़ के आसपास हम लोगों ने उसको रेडी किया और चांद पे भेज भी दिया। 600-700 करोड़ में सब हो गया, 600-700 करोड़ में हमारे इंडिया में मूवी बनता है, लेकिन उसमें हम लोगों ने चांद पे चंद्रयान 3 भेज दिया। बट सेम चीज अगर आप यूएस में करने जाएंगे तो यूएस में आपको इसका खर्चा डबल ट्रिपल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा, पैसे तो हैं उनके पास खर्च करने के लिए, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वहां पे लेबर नहीं है और लेबर कॉस्ट वहां पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लोग वहां पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग छोटे मोटे काम करना चाहेंगे नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा जो वो लोग कर रहे हैं, या कोई भी बिजनेस अगर एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है जहां पे कैपिटल ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो उस चीज को चेक करने की कोशिश करेगी जो खर्च वो लोग कर रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है, क्या सही है या नहीं है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीजें जो है इसको भी एनालिसिस करना की आवश्यकता पड़ती है, और ये यहाँ पे वही बात बोली जा रही है। बिजनेस ओनर शुड केयरफुली रिक्वेस्ट एंड रिव्यू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर दैट इट प्रोवाइड्स द मोस्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। सो बिजनेस ओनर्स को इन्हीं सारे डेटास के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है उनको रिव्यू करना होता है, चेक करना होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, ताकि वो लोग ठीक तरीके से सही डिसीजन को ले पाए। सही डिसीजन को लेने के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ठीक तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डेटा यूजफुल नहीं होगा, रिलेवेंट नहीं होगा, तो आप उसको एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो डेटा का यूजफुलनेस काफी ज्यादा जरूरी है। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज रेलेवेंस। मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई भी डेटा यूजफुल तभी होता है जब वो रेलेवेंट होता है, और तीसरा पॉइंट ही रेलेवेंस है, रिलेवेंट है ना, कि डेटा जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे कि सपोज मुझे ये पता करना है कि इस साल मेरा जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले कितना हुआ है, तो आपके पास 2 साल का डेटा होना चाहिए, इस साल का और पिछले साल का। अगर सपोज आपके पास 2 साल पहले का डेटा है, आपको क्या 2 साल का पहले का डेटा चाहिए था? नहीं चाहिए था। तो वो डेटा आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो डेटा आपके पास है वो रेलेवेंट होना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। Accounting information should relate to a specific time period or contain information regarding individual business functions, है ना। जो accounting information होगा वो specific time period से related होगा। अगर आप इस साल की बात कर रहे हैं तो इसी टाइम पीरियड में जितने भी सारे आपके खर्चे हुए हैं, इनकम वगैरह हुए हैं, जो भी बिजनेस फंक्शंस की गई हैं, जिसके ऊपर खर्च हुआ है, उनका जो है पूरा का पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको इसी साल का डेटा चाहिए। बिजनेस ओनर्स ऑफन कंडक्ट अ ट्रेंड एनालिसिस When reviewing financial information, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, वो लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि उनका ट्रेंड कैसा है। पिछले साल 10% का प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना हुआ, या उसके पिछले साल कितने परसेंट का हुआ था। तो जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो चेक करने के लिए डेटा का यूज जो है किया जाता है। द ट्रेंड एनालिसिस कंपेयर्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द कंपनीज करंट अकाउंटिंग पीरियड, है ना। जो कंपनी की हिस्टोरिकल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको वो लोग कंपनी के करंट अकाउंटिंग पीरियड से कंपेयर करते हैं, मैच कराने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करते हैं कितना ग्रोथ है भी या नहीं है। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ रितम कहिए। वो जो सर ट्रेंड एनालिसिस है वो तो सर जो गारमेंट्स कंपनियां हैं उसमें वो ट्रेंड एनालिसिस कैसे करेंगे? मतलब आज एक ट्रेंड है, कल वो चेंज भी तो हो सकता है ना। कौन से बिजनेस में आप कह रहे हैं? गारमेंट में। हाँ, जो कपड़े बनाने की कंपनियां हैं, मतलब आज एक ट्रेंड है उसका एनालिसिस तो आज हम कर लेंगे, कल दूसरा कोई ट्रेंड आ जाएगा तो उसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे? नहीं तो आप जो ट्रेंड बोल रहे हैं वो शायद लोगों का चॉइस, लोगों का टेस्ट के वाला ट्रेंड है। जैसे कि आज सपोज लोगों को स्कर्ट पहनना पसंद है, लड़कियों को स्कर्ट पहनना पसंद है। पहले के लोग स्कर्ट नहीं पहनते थे, चूड़ीदार वगैरह पहनते थे या साड़ी वगैरह पहनते थे। तो दैट ट्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल ट्रेंड, ठीक है ना। आप कौन सा ट्रेंड की बात कर रहे हैं? ओके ओके। देखो वो ट्रेंड तो भाई चेंज होते रहता है, वो तो बिजनेस पॉलिसी है। वो तो देखो ठंडे और गर्मी में भी होता है ना, कि ठंड में हम लोग ज्यादा कपड़ा पहनते हैं, जैकेट वगैरह पहनते हैं, गर्मी में फिर कम कपड़ा पहनने लगते हैं। तो वो ट्रेंड इज डिफरेंट, दैट इज मतलब स्टाइल वाला ट्रेंड हो गया या वो ट्रेंड हो गया। बट मैं जो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ वो ट्रेंड बिजनेस के ट्रेंड से रिलेटेड है। बिजनेस का जो बिजनेस हो रहा है, जो आपका बिजनेस है, उसने साल भर में कितने का कमाई किया, कितने का लॉस हुआ, वो जो ट्रेंड है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो ट्रेंड है, मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोग उसके बेसिस पे वो लोग कंपेयर करते हैं। जैसे कि सपोज पिछले साल आपका जो टोटल सेल था, जो टोटल रेवेन्यू था वो 100 करोड़ का था, तो आप तो ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि इस साल वो 120 या 150 करोड़ का होगा। तो जो ट्रेंड है वो अपवर्ड होना चाहिए। बिजनेस ग्रोथ अभी करता है जब ट्रेंड अपवर्ड की तरफ होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा का यूज करते हैं। सपोज पिछले साल 22-23, ये साल जो भी चल रहा है 22-23 में आपका 100 करोड़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके पिछले साल 21-22 में हो सकता है आपका 80 करोड़ हो, और 20-21 में हो सकता है, कोविड का टाइम था, हो सकता है उस टाइम पर आपका सिर्फ 50 करोड़ हो। तो जो ट्रेंड है वो 50 से 80 हुआ, 80 से फिर 120 हुआ, इस तरीके से क्या है, ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है। तो ये यहाँ पे मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अकाउंटिंग पीरियड इन्फॉर्मेशन वो एक पर्टिकुलर पीरियड के साथ दूसरे जो पीरियड्स हैं, सेम पीरियड, उसके साथ कंपेयर किया जाता है कि कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, ठीक है। इररिलेवेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कैन सीवियरली डिस्टॉर्ट द ट्रेंड एनालिसिस प्रोसेस। अगर आपके पास इररिलेवेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होगा तो वो आपके जो आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, जो आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो, वो उसको एक तरीके से डिस्टॉर्ट कर देगा, गलत जानकारी वहां पे डाल देगा। सपोज 2010-11 का कोई डेटा है, उसको आप अभी वाले डेटा के साथ कंपेयर करोगे तो कोई तुक ही नहीं बनता है कि 10 से 11 साल पहले तो कुछ और ही था। हो सकता है कि उस टाइम पे आपका बिजनेस स्टार्ट भी ना हुआ हो। तो उस डेटा के साथ अगर हम अभी के डेटा को कंपेयर करेंगे तो वो एक तरीके से बेवकूफी होगी। तो वही बोल रहा है कि इररिलेवेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, ऐसा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो कि इररिलेवेंट है, वो आपके ट्रेंड एनालिसिस प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करता है बहुत ही सिवियरली, बहुत ही खराब तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, रिव्यूइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर बजट्स रिक्वायर्स relevant information on the cost of material for budgets. Cost information on material to produce COGS, cost of goods sold, would be relevant, है ना। यहाँ पे देखो cost of goods sold का अगर आपको information निकालना है तो उसके लिए जो cost of material है, जो आपने यूज किया है उस प्रोडक्ट को बनाने में या पूरे साल में जो आपने यूज किया है, वो डेटा आपके लिए एक तरीके से मतलब irrelevant हो जाएगा। ठीक है। सो जो डेटा आपसे पूछा जा रहा है आपको उसी डेटा के रिगार्डिंग आपको जो है काम करना है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, रिव्यूइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर बजट। आपको अगर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को रिव्यू करना है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस का बजट जो है वो कैसा था, रिक्वायर्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फॉर बजट। आपका जो मटेरियल कॉस्ट है उसका जो बजट था उसके बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन मटेरियल्स टू प्रोड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप कॉस्ट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करेगा। आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है, मटेरियल कॉस्ट ज्यादा मैटर करता है ना, लेबर कॉस्ट वगैरह बहुत कुछ है। लेकिन जो जानकारी आपको चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी उसी चीज का चाहिए होगा, तभी आप उस चीज को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बहुत तरह का खर्च हो जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट में लेता हूँ, क्या क्या खर्चा है हमारा, मटेरियल है, लेबर है, वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट है, कुछ कुछ और खर्चा होता है जो कि मटेरियल लेवल पे होता है प्रोडक्ट बनाने में। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब हो गया कि उस गुड्स को बेचने में, जब आपका गुड्स बन के तैयार होने के बाद उसको बेचने में जो खर्च पड़ा, मिला करके आप कॉस्ट का जो टोटल गुड्स का प्राइस है वो कितना है, उसकी वैल्यू का इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सारे खर्चों को उसमें ऐड कर ले रहा है। लेकिन आपको सिर्फ चाहिए मटेरियल वाला इंफॉर्मेशन, है ना। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी होना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, 4th नंबर पॉइंट है रिलायबिलिटी। ठीक है, तो डेटा का रिलायबल होना, डेटा रिलायबल तभी होगा जब डेटा इंफॉर्मेशन सही होगा, है ना। उसी बात को वापस से बोला गया है, सिर्फ डिफरेंट टर्म्स का यूज है और कुछ नहीं। आप बस इन टर्म्स को यूज कर लेना, इन टर्म्स को याद करना है और इसी को एग्जाम में लिखना है। रिलायबिलिटी स्टार्टिंग में जो भी हम लोगों ने किया वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा और घुमा फिरा करके आपको उन्हीं सारी चीजों को लिखना है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, तो लिखना ही था। सो दैट बिजनेस ओनर्स कैन बी रीजनेबली एश्योर्ड दैट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। जो डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए ताकि बिजनेस ओनर्स ये सही तरीके से चेक कर पाएंगे, जो डेटा है उसके बेसिस पे जो बिजनेस का पिक्चर निकल करके आ रहा है वो एक्यूरेट है, वो सही है। Business owners often use accounting information to secure external financing for their business. तो external financing का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी से बाहर से लोन लिया है। तो जब आप किसी से लोन लोगे तो वो आपको फ्री में तो देगा नहीं, वो कोलैटरल लेगा। या आप अगर बिजनेस लोन लेने जा रहे हो तो वो आपके बिजनेस के रिकॉर्ड्स देखेगा कि आपका बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो वो चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि रिलायबल डेटा होना चाहिए ताकि उसके बेसिस पे जब आप लोन लेने जाओ बाहर से तो वो लोन आपको मिल जाए, आपकी फाइनेंसिंग ठीक तरीके से हो पाए। इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिलायबल और एक्यूरेट मे कॉज लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स टू क्वेश्चन द बिजनेस मैनेजमेंट एबिलिटी। अगर इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, तो जो लेंडर्स होंगे, जो पैसे आपको लैंड करते हैं, है ना, जो देते हैं आपको उधार में, या इन्वेस्टर्स होंगे जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके मैनेजमेंट एबिलिटी के ऊपर सवाल उठाएंगे कि आपका तो भाई डेटा ही सही नहीं है, तो आपका बिजनेस कैसे सही हो सकता है और हम आपके बिजनेस में पैसे क्यों डालें, है ना। ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बिजनेस ओनर्स में ऑल्सो स्ट्रगल टू सिक्योर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग विथ पुअर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसी बात को फिर दूसरे तरीके से बोला है ना, कि बिजनेस ओनर जो है वो स्ट्रगल करता है कई बार सिक्योर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, उसको सिक्योर करने में, उसको पाने में कई बार उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो काउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो पुअर है, अच्छे क्वालिटी का नहीं है। ठीक है। 5वां है कंपेरेबल। कंपेरेबल में भी वही बात है कि डेटा को आपको ठीक तरीके से प्रेजेंट करना है। आप अगर डेटा को ठीक तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो वो डेटा कंपेरेबल भी होगा, आप कंपेयर भी कर सकते हैं डेटा को दूसरे डेटा के साथ, दूसरी सारी चीजों के साथ। है ना, वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की गई है। कंपेरेबिलिटी अलाउज बिजनेस ओनर्स टू रिव्यू देयर अकाउंटिंग कंपनीज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन against that of an competitor. Business owners use comparison to gauge how well their companies operate under certain market conditions. है ना, तो बिजनेस ओनर्स कई बार खुद को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे आपकी कंपनी को थोड़ा टफ हो रहा है मार्केट को एक तरीके से कैप्चर करने में, मार्केट में खुद के बिजनेस को चलाने में, ऑपरेट करने में, तो उस केस में वो लोग कंपेयर करते हैं कि भाई दूसरी कंपनी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है ना, पिछले साल हम लोग सेम सीजन में किस तरीके से काम कर रहे थे। तो कंपैरिजन वो लोग करते हैं, वो लोग चेक करते हैं कि पिछले साल ऐसा क्या हम लोग कर रहे थे जिसके कारण से पिछले साल प्रॉफिट हो रहा था और इस साल हमें लॉस हो रहा है। आप कंपैरिजन क्यों करोगे? इन्हीं सब चीजों के कारण करोगे। वही बात है, ओनर्स ऑफन यूज लीडिंग कंपनी ऑफ एन इंडस्ट्री फॉर कंपैरिजन प्रोसेस, और इस कंपैरिजन प्रोसेस के लिए कंपनीज जो होती है, जो ओनर्स होती हैं, वो कभी कभी दूसरी कंपनीज को हायर करती है जिनका काम ही है कंपैरिजन करना, और काफी खर्च भी करती हैं। These companies usually have the most efficient and effective business operations. इन कंपनीज का जो बिजनेस ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है, क्योंकि वो लोग कंपेयर कर पा रहे हैं। कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि कंपैरिजन मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, बट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको खुद को कंपेयर करना होगा किसी के साथ, ठीक है ना, खुद को एक तरीके से चेक करना होगा। अगर आप खुद को हमेशा सही ठहराएंगे, खुद को हमेशा सही मानेंगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आपसे आगे है उसके साथ आप कंपीट करो, कंपेयर करो कि क्या गलत हो रहा है मेरे साथ जो मैं कंपीट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। वो चीज बिजनेस में भी लागू होता है, ठीक है। नॉन कंपेरेबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन मेक दिस प्रोसेस अ डिफिकल्ट प्रोसेस, है ना। अगर नॉन कंपेरेबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा तो जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, business owners should consider preparing financial statements according to the standard accounting principles. एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि जो डेटा आप क्रिएट करोगे, जो डेटा आप बनाओगे, वो डेटा आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे वैसे बना दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। द स्टेटमेंट्स कैन बी कंपेयर टू अदर कंपनीज फाइनेंशियल स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर मैनर। अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो जो डेटा आप तैयार करेंगे उस डेटा को आप दूसरे कंपनी के डेटा के साथ बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो कंपेरेबिलिटी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा नंबर पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और कॉमन पॉइंट है। कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो बिजनेस कभी नहीं चल सकता। अगर आपको किसी क्वार्टर में लॉस हो रहा है और आप अपने बिजनेस को छोड़ नहीं करना तो बहुत प्रॉब्लम है। आपको अपने बिजनेस को लेकर के कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस आपको अपने बिजनेस के ऊपर काम करता रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रेफर्स टू हाउ बिजनेस ओनर्स एंड अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन कंपनीज जनरल लेजर, है ना। कंसिस्टेंसी यहाँ पे लेकिन किस चीज की जा रही है? यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है। आपने सपोज 3 महीने का रिकॉर्ड किया, 3 महीने का आपने रिकॉर्ड नहीं किया या अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपका जो कंसिस्टेंसी है डेटा को रिकॉर्ड करने का वो गलत हो गया, वो सही नहीं है। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे, जब आप डिसीजन लेंगे उसके बेसिस पे, तो गलत हो जाएगा, राइट। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको अपने डेटा को सही तरीके से रिकॉर्ड करना है, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रिकॉर्ड करना है, ताकि उसके बेसिस पे जो है डिसीजन वगैरह लिया जा सके। बिजनेस ओनर्स नीड टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर हैंडल्ड द सेम। बिजनेस ओनर्स को ये एक तरीके से इंश्योर करना पड़ता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है उसको उसी तरीके से हैंडल किया जा रहा है जिस टाइम पे वो हो रही है। अगर कोई डेटा आज के दिन में हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आपको आज ही के दिन उसको रिकॉर्ड भी करना है। अगर आप उसको 10 दिन बाद रिकॉर्ड करने की सोचेंगे और कहीं आप अगर उसको भूल गए तो काफी बड़ा मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। देखो वही बात बोली गई है शायद, इन्वेंट्री परचेसेस शुड बी रिकॉर्डेड द सेम वे एज यस्टरडे, टुडे और टुमारो। इन्वेंट्री को जब आप परचेस कर रहे हैं तो आप जिस तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं परचेस वाले दिन, अगले दिन भी आपको उसी तरीके से रिकॉर्ड करना है, उसके अगले वाले दिन भी आपको उसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। आपने लीफो फीफो मेथड का नाम सुना है रितम? नहीं सर। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक मेथड होता है लीफो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसमें क्या होता है कि जो पहली बार मटेरियल आता है उसको हम लोग पहले निकालते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास कपड़े का स्टॉक है, कोई सामान लेने आया तो जो सामान आपके पास पहले आया था आपने उसको निकाला, आपने लेटेस्ट सामान उसको नहीं दिया। सपोज कोई सामान जुलाई के महीने में आया है और अगस्त के महीने में भी आया है, तो आप क्या करेंगे? आप जुलाई के महीने के सामान को पहले बेचेंगे, अगस्त के महीने के सामान को बाद में बेचेंगे, क्योंकि वो ज्यादा करेंट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आ रहा है वही पहले निकलेगा। एक है लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, जो लास्ट में आ रहा है वो पहले निकलेगा। तो ये दो अलग अलग मेथड है। है ना। तो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको सेम मेथड को यूज करना है जो आपने पहले यूज किया था। इस महीने आपने लीफो कर लिया, अगले महीने फीफो कर लिया, फिर उसके अगले महीने फीफो, फिर उसके अगले महीने लीफो। तो इस तरीके से अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो जो डेटा का कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाएगा, जो डेटा जो रिकॉर्ड होगा वो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं होगा। तो वही बात बोला जा रहा है कि जो इन्वेंट्री परचेसेस होता है उसको सेम तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिसको जैसे पिछली बार किया गया था, पिछले दिन या पिछले अगले दिन जो करना है उन सब में आपको सेम तरीके से करना होगा। दिस हेल्प्स कंपनीज क्रिएट एक्यूरेट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड and limit the accounting amount of financial accounts or journal entries included in the journal ledgers। ठीक है, तो इसके कारण से काफी ज्यादा help होता है ना। आपको जो historical data है वो आपका सही रहता है। historical data को actually इसी तरीके से record करना चाहिए ताकि वो आगे जाकर के लिए आपकी useful हो, और useful तभी होगा जब आप उसको सही तरीके से record करेंगे और consistency के साथ करेंगे। consistency होनी काफी ज्यादा important है। ठीक है, so that's it। टाइम भी काफी खत्म होने वाला है, 6 मिनट का ही टाइम बचा है। ये पूरा का पूरा लेक्चर था। मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा एंड इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। और भी क्वेश्चन है रितम रिगार्डिंग योर कोर्स? मैंने आपको असाइनमेंट भेज दिया है 2, आप उसको फटाफट लिख लीजिए और बाकी 2 मैं आज शाम को सेंड कर दूंगा, आई होप। ओके सर, ठीक है। ओके सर, कोई भी क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके ओके सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। कल मिलते हैं, ठीक है। कल सुबह कल सुबह 8 बजे। ओके सर, ठीक है। ओके ओके।